हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल क्रेजी क्राफ्ट्स वर्ल्ड। आई होप आप सब ठीक हो। कमेंट करके बताना जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। पहले है डायरी। डायरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है गिफ्ट करने के लिए, और टीचर्स डे आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा आइडिया होता है। चलिए मैं इस डायरी को पहले मैं एक हैंडमेड पेपर से कवर कर लूँगी, नॉर्मल जैसे कवर करते हैं वही हो गया। उसके बाद जो A4 प्रिंटेड पेपर रहते हैं ना, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, उसी के एक स्ट्रिप मैंने काट लिया हूँ। उसके बाद उसको मैं फेविकॉल से डायरी की साइड में लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने वाशी टेप लगाऊंगी। वाशी टेप बहुत अच्छा डेकोरेटिव पीस होता है डेकोरेशन करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करती हूँ। मैंने जो वाशी टेप है उसको मैं काट के इसके ऊपर लगाऊंगी, पर ये वॉशी टेप के ना गोंद जो है स्टिक होने का जो क्षमता है वो थोड़ी देर के बाद खुलने लगता है, इसीलिए मैं इसके नीचे में फेविकॉल से चिपका रही हूँ ताकि वो चिपके रहे, नहीं तो जल्दी खुल जाते हैं, इसीलिए मैं फेविकॉल से लगा रही हूँ। और ये ऐसे ही मैं करती रहूँगी। और ये जो मैं गिफ्ट आइडिया आज मैं दिखा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स डे के लिए है, ऐसे कोई बात नहीं है। आप इसको एज अ कोई भी बर्थडे गिफ्ट होता हो सकता है, भाई को गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी, पर टीचर्स डे आ रहे हैं इसीलिए मैं टीचर्स डे गिफ्ट आइडिया दिखा रही हूँ। ऐसे ही करते रहिए वॉशी टेप से। उसके बाद मैं कलरिंग चार्ट पेपर को काट लिया हूँ सर्किल शेप की, उसकी कॉर्नर को मैंने गोल्डन जो पेन होता है उससे ही डेकोरेट कर लिया है। उसके बाद मैं नॉर्मल जो ब्लैक पेन होता है उससे ही कोट्स लिख रही हूँ। थोड़ी डूडलिंग इफेक्ट भी मैंने दे दी, इससे अच्छा इफेक्ट आता है। उसके बाद उसको मैं फेविकॉल से ही लगा रही हूँ। और एक बात, जो लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी उसको बहुत सारे थैंक यू। ओके, हमारा जो गिफ्ट आइडिया, सेकेंड आइडिया जो है वो है पेंट्स। पेंट्स तो टीचर्स डे में बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, पर नॉर्मल जो पेन को मैंने डेकोरेट करूँगी इसके लिए मैं कार्टिज पेपर लिया हूँ। कार्टिज पेपर को मैं रेक्टेंगुलर शेप में काट लिया हूँ। उसके बाद उससे ही थोड़ा छोटा मैंने चार्ट पेपर को काट लिया हूँ। उसके बाद इस कॉर्नर को मैंने ट्रिम करूँगी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है इसीलिए थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है। तो चलिए, उसके बाद मैंने एक रेड नॉर्मल स्केच पेन लेके उस बॉर्डर को मैंने डेकोरेट कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं मनपसंद कोट्स लिख रही हूँ। कोट्स आप खुद के हिसाब से लिख सकते हो या फिर कोट्स आप नेट से भी ले सकते हो। पिंट्रेस्ट बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है कोट्स लेने की, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इस गिफ्ट आइडियाज़ को आप सिंगल भी दे सकते हो या कॉम्बो में भी दे सकते हो। कॉम्बो बहुत अच्छा आइडिया होता है। मैं तो उसके बाद मैं एक जो होल कॉल करने का मशीन होता है उसको लेके मैं पंच कर रही हूँ और एक होल बना लिया। उसमें से मैं एक जो रिबन होता है उसके साथ ये पेन को मैं नॉट बांध लूँगी। आप रिबन यूज़ कर सकते हो या फिर जो जूट रोप होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है इस वक्त पे। नॉट बांध लूँगी। चलिए देख सकते हैं कि नॉर्मल पेन को ही मैं कैसे बना दिया, बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप सो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। उसके बाद थर्ड आइडिया है चॉकलेट। चॉकलेट भी बहुत अच्छा आइडिया होता है देने के लिए, पर उसको भी थोड़ी अलग ढंग से हम देंगे। तो इसके लिए मैंने रेक्टेंगुलर चार्ट पेपर को काट लिया है। सब मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। उसके साइड को मैंने पहले गोंद से चिपका दूंगी। और एक बात, मेरे इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी दे दूंगी मैंने, वो भी आप फॉलो कर जरूर करना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं थोड़ी लाइव अपडेट देते रहती हूँ। उसके बाद
इसके नीचे का पोर्शन को मैंने ऐसे फोल्ड करके फेविकॉल से चिपका दूंगी ताकि एक तरफ खुला रहे और एक तरफ बंद रहे, पॉकेट जैसा बन जाए, उसके अंदर ही हम लोग चॉकलेट दे दूंगी। हाँ ऐसे बिल्कुल। इसके बाद इसको एक नॉर्मल जो पेपर हम लोग हमारे पास जो लिखने का कॉपी रहता है उसमें से ही थोड़ा मैं काट लिया हूँ। इसके बाद मैं इसको डेकोरेट करूँगी एज अ कोट्स लिखने के लिए। चलिए कोट्स लिखते हैं। कैसे लग रहा है वीडियो बताना ज़रूर, ठीक है? चलिए गया। इस एनवेलप को मैं थोड़ी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग थोड़ी और भी डेकोरेट करेंगे। देखते रहिए मेरे वीडियो को। इस वीडियो का और एक पार्ट मैं बनाऊंगी, सेकेंड पार्ट, वो भी जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में डाल दूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए मैंने एक सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगी, वो भी देखना। अब इस एनवेलप को मैंने अच्छे से डेकोरेट करूंगी, थोड़ी हार्ट हार्ट बना के। ये आप स्केच पेन से भी बना सकते हैं या फिर कुछ और पेन से भी बना सकते हैं, ग्लिटर पेन से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद इसको मैं एक जो टेप होता है ना सेलो टेप, उसी के डबल साइड बना के ऐसे चिपका दिया ताकि वो लग मैंने कुछ अच्छे दिखे, इसीलिए। उसके बाद मैं इसको होल करूंगी और उसके अंदर जूट रोप देके बंद करूंगी। आप रिबन भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, चॉकलेट देके। उसके बाद मेरे पास अभी चॉकलेट नहीं है इसीलिए मैं अब नहीं दे रही हूँ, आप गिफ्ट में ज़रूर देना, खाली एनवेलप मत दे देना, ठीक है?